नमस्कार, मैं द्विवेद राधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। बिहार की बालिका साइकिल योजना का प्रभाव सात समंदर दूर अफ्रीकन देश जाम्बिया में दिख रहा है। जाम्बिया की सरकार ने वहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया। इससे वहां की बालिका शिक्षा पर अच्छा असर देखने को मिला। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई मंडोली जेल के रिहाई सिक्योरिटी सेल में शिफ्ट किया गया है। सुरक्षा कारणों को लेकर जेल प्रशासन ने उसे मंडोली जेल नंबर 15 में रखने का फैसला किया है। तिहाड़ जेल में टिल्लू ताजपुरिया की हत्या के बाद गैंगवार की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहां की सुरक्षा बढ़ा दी गई और सीसीटीवी कैमरे से उस पर निगरानी रखी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूहों को आंगनबाड़ी केंद्रों में पुष्ट आहार वितरण का कार्य सौंपा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पर चीन और पाकिस्तान से मिल रही चुनौतियों को परोक्ष जिक्र करते हुए कहा है कि सीमाओं पर दोहरे खतरे के मद्देनजर भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में प्रगति पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने देश के रक्षा प्रौद्योगिकियां विकसित करने के लिए गहन अनुसंधान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। जब भी आप बीमार होते हैं तो आपको डॉक्टर कुछ दवा देते हैं या फिर वो आपको दवा लिख कर देते हैं और फिर आप उस दवा को केमिस्ट की दुकान से खरीदते हैं। पर यहाँ पर आपने कभी ना कभी ये बात नोटिस की होगी कि किसी दवा का आपको पूरा पत्ता लेना पड़ता होगा। दरअसल कई दवाएं ऐसी होती हैं जिनको केमिस्ट ये कहकर ग्राहक को पूरा पत्ता लेने के लिए कहता है कि ये एक दवा नहीं मिल सकती। यही नहीं, केमिस्ट और भी कई कारण देते हैं, जैसे कटी दवा कोई और नहीं लेगा, कटी दवा में एक्सपायरी की तारीख नहीं होगी तो कोई भी दवा नहीं खरीदेगा आदि। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इसको लेकर सरकार ने कमर कस ली है। बिहार के जाति आधारित समाज में महापुरुषों को जातियों के खांचे में बांधकर देखने का ट्रेंड पुराना है। विभिन्न क्षेत्रों में खासकर उपलब्धि हासिल करने वालों को भी अपनी जाति का बताने की होड़ मची रहती है। अब हाल ही में आए संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की केंद्रीय सिविल सेवा परीक्षा के टॉपरों की जातियां भी खोदी जा रही हैं। इस बीच गूगल पर टॉपरों से संबंधित सर्च में उनकी जातियों से संबंधित कई कीवर्ड्स भी ट्रेंड करने लगे हैं। ऐसे स्क्रीन रिकॉर्ड ऐप आपका निजी डेटा चुरा रहा है। आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, आपकी माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग, आपके स्पेसिफिक एक्सटेंशन वाली फाइलें कुछ भी सुरक्षित नहीं है। दरअसल गूगल ने हाल ही में अपने ऐप स्टोर से ट्रोजन इन्फेक्टेड ऐप आई रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर को हटा दिया है। ये ऐप लोगों के स्क्रीन रिकॉर्डिंग के इस्तेमाल में आता था। बता दें कि ये ऐप गूगल ऐप स्टोर पर पिछले करीब एक साल से भी ज्यादा समय से मौजूद था। साथ ही इसे 50,000 से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया गया था। भारत के नए संसद भवन को लेकर सियासत गरमाई हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाना है, जिसको लेकर विपक्षी दलों के नेता हमलावर हैं। उनका कहना है कि उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। वहीं संसद भवन के उद्घाटन के दौरान सेंगोल को भी स्थापित किया जाएगा, इसको लेकर भी विरोध शुरू हो गया है। सपा सांसद ने एसटी हसन ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि सेंगोल को एक मजहबी सिंबल करार दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट से राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहुल गांधी की 3 साल की NOC दी है। हालांकि राहुल गांधी ने कोर्ट से 10 साल की NOC की मांग की थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने उनकी मांग का विरोध करते हुए सिर्फ 1 साल की NOC की परमिशन देने की बात कही थी। कर्नाटक के कई स्कूलों में हिजाब को बैन करने के बाद भर के विवाद का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट। इस विवाद के बीच केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि स्कूलों को अपना यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है, वे किसी व्यक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहे हैं। खान ने उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में कहा है कि दुनिया भर में यह मान्यता है कि स्कूलों को यूनिफॉर्म के बारे में फैसला लेने का अधिकार है। खान ने कहा है कि लोग जो चाहे पहनने के लिए आजाद है, मगर यूनिफॉर्म के बारे में स्कूलों के निर्देश पालन किए जाने चाहिए। पुरानी पेंशन के लिए देश भर में अलग अलग राज्यों में कर्मचारी और केंद्रीय कर्मचारी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सरकार ने कर्मचारियों की मांगों को मानते हुए पुरानी पेंशन योजना को बहाल कर दिया है। तेलंगाना में इस साल चुनाव होने हैं। यहां कांग्रेस पार्टी ने अभी से ही सरकारी कर्मचारियों से पुरानी पेंशन को बहाल करने का वादा कर दिया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह तेलंगाना में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि हम ये जानते हैं कि याचिका क्यों दायर की गई है, आप इस बात के आभारी रहें कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे हैं। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की ओर से अंतरिम जमानत मिल गई है। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ्ते के लिए जमानत दी है।
हाल ही में सत्येंद्र जैन के वकील ने उनकी तबीयत खराब के बारे में कोर्ट को बताया था। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्येंद्र जैन दिल्ली NCR से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इस दिन को यादगार बनाने के लिए वह 75 रुपए का नया सिक्का भी जारी करेंगे। सिक्के पर नए संसद भवन का चित्र होगा। सिक्के पर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा। इस पर अशोक स्तंभ के चिन्ह भी अंकित होंगे। मंत्रालय के मुताबिक सिक्के का डिजाइन संविधान की पहली अनुसूची में लिखे दिशा निर्देश के अनुरूप होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले विशेष सुरक्षा बल की कमाना भारतीय पुलिस सेवा के अतिरिक्त महानिदेशक स्तर के अधिकारी के पास होगी, जबकि कनिष्ठ अधिकारियों को अब 6 साल की प्रारंभिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा। गृह मंत्रालय द्वारा ये मानक गुरुवार को विशेष सुरक्षा दल अधिनियम 1988 के तहत राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से नियमों की एक नई श्रेणी के माध्यम से तय किए गए हैं। आदिवासी इलाके में कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा के खिलाफ याचिका पर बहस कर रहे वकील को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। जज ने वकील को फटकार लगाते हुए कहा है कि जरा भी उल्टी सीधी बहस की तो भेज दूंगा जेल, सारी वकालत खत्म हो जाएगी। इतना ही नहीं, जज ने याचिका को निरस्त भी कर दिया था। गौरतलब है कि इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री की हर तरफ चर्चा हो रही है। दिल्ली सरकार सतर्कता विभाग की ताजा रिपोर्ट LG के पास पहुंचने के बाद से CM आवास विवाद एक बार फिर चर्चा में है। विभागीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास निर्माण पर करीब 45 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 52 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है। लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड के हवाले से सतर्कता अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 52.71 करोड़ रुपए में घर के निर्माण पर 33.49 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री के लिए एक कैंप कार्यालय पर 19.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अहमदाबाद में क्रिकेट प्रशंसकों के बीच IPL का क्रेज देखा जा रहा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल स्टेडियम के टिकट खरीदने के लिए क्रिकेट प्रशंसकों की भीड़ देखी गई। अहमदाबाद मेट्रो पर भी क्रिकेट फैंस के लिए खास ऑफर दे रही है। GMRC ने अहमदाबाद में 26 और 28 मई को होने वाले IPL मैचों के लिए विशेष पेपर टिकट जारी किए हैं। किसी भी मेट्रो स्टेशन से मोटेरा स्टेडियम तक का सफर 25 रुपए के फिक्स रेट पर किया जा सकता है। साथ ही मेट्रो सेवा का समय भी बढ़ा दिया गया है। मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की तलवार लंदन में हुई एक नीलामी में 14 मिलियन पाउंड यानी करीब 140 करोड़ रुपए में बिकी। नीलामी का आयोजन करने वाले बोनहम्स ने कहा है कि तलवार उम्मीद से कई गुना अधिक में बिकी है। टीपू सुल्तान की तलवार नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक की सबसे महंगी बिकने वाली भारतीय वस्तु बनी है। अगर आप भी 2000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए बैंक जा रहे हैं तो अलर्ट हो जाएं। आपके 2000 के नोट पर अब इनकम टैक्स की नजर है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर 2000 के नोट पर नजर रख रहा है। बता दें कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हर 2000 के नोट की जानकारी दे रहे हैं जो बदली जा रही है। काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने 2000 के नोटों का सर्कुलेशन बंद कर दिया है। बैंक ने अब 23 मई से इन आउट ऑफ सर्कुलेशन हुए नोटों को वापस मांगना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में बैंक जितनी नोटें उन्होंने बदली है इसकी जानकारी IT विभाग को दे रहे हैं। रियल एस्टेट के सेकेंडरी मार्केट से अगर आप रीसेल में घर खरीद रहे हैं तो पहले उस फ्लैट या मकान पर बकाया बिजली बिल को जरूर चेक कर लें। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है कि किसी संपत्ति के पिछले मालिक का बिजली बकाया नए खरीदार से वसूल किया जा सकता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि किसी परिसर में बिजली की आपूर्ति फिर से शुरू करने से पहले वितरण लाइसेंस धारी को पिछले उपभोक्ता के बकाए के भुगतान की शर्त 2003 अधिनियम की योजना के तहत वैध है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने संसद की नई इमारत के उद्घाटन समारोह से विपक्ष के बहिष्कार को अनुचित बताया है। मायावती ने गुरुवार को कहा कि कुछ विपक्षी दलों ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने का फैसला किया जो कि अनुचित है। भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों किए जाने के फैसले का बचाव करते हुए मायावती ने कहा कि सरकार को भवन का उद्घाटन करने का पूरा अधिकार है क्योंकि उसी ने इसका निर्माण किया है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में उपराज्यपाल VK सक्सेना का बयान सामने आया है। उपराज्यपाल ने अधिकारियों से कहा कि अधिकारी बिना किसी डर और दबाव के काम करें। LG ने कहा कि आपको कोई हाथ भी नहीं लगाएगा, आप बिना किसी दबाव के काम करें, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। इसके साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में LG ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल को साफ संदेश भी दे दिए हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में 1 लाख के मोबाइल फोन के लिए सरकारी अधिकारी ने जलाशय का 21 लाख लीटर पानी निकलवा दिया। इस पर मचे बवाल के बाद जिला प्रशासन ने फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास को अंततः निलंबित कर दिया है। वहीं जल संसाधन विभाग के SDO को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। UPSC के परिणाम आने के बाद 44वीं रैंक पर विवाद खड़ा हो गया है। वो इसलिए कि एक ही रोल नंबर के 2 एडमिट कार्ड दिखाकर हरियाणा और बिहार के तुषार कुमार ने 44वीं रैंक हासिल करने का दावा किया। इस मामले में बिहार के तुषार कुमार ने स्थानीय SP को शिकायत भी की है, जबकि रेवाड़ी के रहने वाले तुषार कुमार कल दिल्ली के लिए रवाना हुए थे जिसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
धरती पर मौजूद एक शक्तिशाली सोलर टेलीस्कोप ने सूर्य की कुछ नई और अद्भुत तस्वीरें खींची है। नई तस्वीर ने बेहद बारीकी से सन स्पॉट और अन्य विशेषताओं का खुलासा किया है। 19 मई को जारी 8 तस्वीरों को अमेरिका के हवाई में माउ द्वीप पर स्थित 13.1 फुट लंबे टेलीस्कोप नेशनल साइंस फाउंडेशन के डैनियल के इनोए सोलर टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर कैप्चर किया गया था। सूर्य पर गतिविधियां अब काफी तेज हो गई क्योंकि जुलाई 2025 सोलर मैक्सिमम अब करीब आ रहा है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, बाबूलाल मरांडी, उमेश मोहम्मद, साकिर हुसैन, शिवम सिंह। अब बढ़ने आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पुरानी पेंशन योजना पर आपकी क्या राय है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।